गल करांगे अश्विनी सेकड़ी दी। रस्मी तौर पर बीजेपी दे विचों शामिल हो चुके ने सुनील कुमार जाखड़ की अगवाई दे विचों बीजेपी दे विचों शामिल हुए। इस मौके पर सुनील कुमार जाखड़ ने कांग्रेस से तिखे शब्दी वार भी किए। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस अपने राह तो भटक चुकी है, कांग्रेस ने निजी स्वार्थ के लिए गोडे टेके ने, कांग्रेस विच सिर्फ ते सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बाकी बची है, अश्विनी सेकड़ी ने भी कहा। अपने पुराने साथी अश्विनी सेकड़ी जी का बीजेपी से स्वागत करा। आज जदों बीजेपी के मोढ़ियां दे उत्ते पूरे पंजाब की लोगों की आवाज बन के पंजाब के हितों पर पहरा देने की जिम्मेवारी जदों बीजेपी ने स्वीकार की है, उसके बाद असी सारे मिलजुल के इस जिहड़ा पंजाब के हितों पर पहरा देना उसके वास्ते सारे मिल के काम करने का जिहड़ा एक मौका सानू मिले। रीसेंट लैवल जिहड़ा जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस हिसाब नाल उन्होंने घुटने टेके है अपने निजी स्वार्थों वास्ते, चाहे पंजाब की लीडरशिप है चाहे सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने अज पंजाब के वर्कर के नाल खास तौर पर जिन्हों किसी किस्म का खतरा नहीं, जिसनों किसी किस्म का विजिलेंस तो डर नहीं, उन्हां नाल जिहड़ा धोखा किया गया है अपने कुछ चंद लोगों को बचाने वास्ते, उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अज अश्विनी जी ने साडे नाल ज्वाइन किया। क्या असी लोग अपने परिवारों का समय अपने रिसोर्स छड़ के जनता की सेवा जो आने तो इस काम लिए आने के कुर्सी ले लड़ इशू लैके सबसे ही सिखाया गया चौधरी बलराम जाखड़ जी सेकड़ी साहब वड्डे बाजवा साहब के लोगों की लड़ाई लड़ो लड़ते रहे। माहौल कांग्रेस पार्टी च उत्थे बन गया कि अज लोगों की लड़ाई नहीं है उत्थे अहुदे की लड़ाई। यही कारण है कि कांग्रेस के बेस्ट ब्रेन जड़े ने बेस्ट टैलेंट जड़ा है वह जाखड़ साहब की अध्यक्षता में अज बीजेपी वल तुर पिया। बहुत सारे काउंसलर सारे शहरों चो मैं कहते कि आप भी जाखड़ साहब के नाल चलना जी, जाखड़ साहब चलना कि एक लहर आनी है कि जाखड़ साहब के नेतृत्व में पूरा पंजाब इकट्ठा होने वाला, असं सारे इकट्ठे होकर नाल नाल चलांगे। जाखड़ साहब मैं पब्लिकली ये गल करना चाहना, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई मैं कोई अहदा या कोई टिकट या कोई मैं पोजिशन नहीं चाहिए। पार्टी जो करे करे, मैं तेरे नाल सिपाही की तरह एक लड़ की तरह खतरे की जवान है तेरे नाल चलना। असीं पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़नी है, पंजाब के बच्चों की लड़ाई लड़नी है, आवाम के नाल करना है।